दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव का विगुल फूंक चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं मजहर आलम जी, जो अररिया से लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर दिए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे, किस बेस पर टिकट दे, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनका लगातार मेहनत रहता है, वे चाहते हैं कि हम लगातार जो काम किए हैं उस बेसिस पर मुझे टिकट मिले। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। हालांकि एनडीए की तरफ से पिछले बार भी अररिया विधानसभा का सीट एलजेपी की तरफ से अजय झा जी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार एलजेपी को सीट मिल रही है अररिया विधानसभा से, तो क्या अजय झा ही कैंडिडेट होंगे या जो और दावेदार हैं वे लोग कैंडिडेट होंगे? हमारे साथ हैं इस वक्त मजहर आलम जी, है ना। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या लग रहा है आपको, पार्टी आपको टिकट देगी, कितना आश्वस्त हैं आप? पार्टी ऑफिस में गए, आपको आश्वासन क्या मिला? देखिए, पार्टी ऑफिस में जो गए तो सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जो दिशा निर्देश था, जो उसका गाइडलाइंस था कि हमारा प्रत्याशी वही बन सकता है जो 25,000 सदस्य ईमानदारी से अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे, मैनोफेस्टो बायोडाटा सारा चीज़ के साथ पार्टी कार्यालय में जमा करेंगे, उनको ही हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे। तो हमने उनका दिशा निर्देश पर 25,000 सदस्यता का अभियान लगातार चला रहे हैं, आप लोग भी मीडिया बंधु के जरिए देख भी रहे हैं, चला रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बट आपने एक सवाल उसके साथ साथ भी किया कि पार्टी उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी या अजय झा को बनाएगी। तो पार्टी का जो हमारा गाइडलाइंस है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो 25,000 सदस्य बनाएंगे उन्हीं को देंगे टिकट, इसलिए उस क्राइटेरियाज को हम पार कर चुके हैं। तो हमारा मानना है कि पार्टी का जो दिशा निर्देश था चिराग जी का, उस हिसाब से हमने पूरा कर दिया है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार मीडिया बंधु के सामने भी, दिल्ली पटना में भी वर्चुअल रैली के माध्यम से भी इस बात को रख रहे हैं कि इस बार पार्टी में पैराशूट लैंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मेरा कार्यकर्ता होगा मैं उन्हीं को ही टिकट दूंगा। कहावत वाली बात है ये बात कि जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, उनका कहना होता है हम किसी भी जात धर्म से मतलब नहीं है भाई, हम विकास की बात करेंगे, विकास की बात करते हैं। लेकिन ये हकीकत है, मानना पड़ेगा कि जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी उम्मीदवार के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में देख लें, जिस जाति के लोग कम है उस विधानसभा में उसका उम्मीदवार आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक शेरशाहवादी हैं, आपकी कितने परसेंट वोटर है अररिया विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, इस चीज़ को आप लोग भी जान रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों की जो बिरादरी की मुस्लिम शेरशाहवादी से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारी वोटर जो है 42,000 वोटर है यहाँ। हम लोग लगातार, समझिए कि किसी न किसी दल का हमारा जो शेरशाहवादी बिरादरी है उसको शोषण करने का काम किया है, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कि वो जात पात से उठ करके राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि वो उम्मीदवारी हमें करेंगे अररिया से। एक और बात कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक तो क्राइटेरिया ये रखे थे कि 25,000 सदस्य बनाना है, दूसरी बात कि हर बूथ लेवल पे कमेटी तैयार करना है। जी। आपने कितना पंचायतों के कितने बूथ में जो है कमेटी तैयार कर दिया? जी, ये तो उनका जो है ना जो लक्ष्य था, हमने तो पहले भी कहा आपको, हमने 30 पंचायत और 29 वार्ड है अररिया में, 29 वार्ड का और 30 पंचायत का बूथ लिस्ट भी मैंने राष्ट्रीय कार्यालय जो हमारा दिल्ली भिजवा दिया है, पटना के माध्यम से हमने जमा कर दिया। बूथ लिस्ट या बूथ के संगठन, जो कमेटी बनी है ना, कमेटी को एक बूथ पे 5 आदमी का हमने सदस्य बना करके एक बूथ पर बूथ कमेटी मजबूती तौर पर बना के हमने कार्यालय में सौंप दिया है। आप ही के पार्टी के कुछ लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्षेत्र में नहीं दिखते हैं कुछ लोग, आपके बारे में भी आरोप है, और लगातार और अचानक जो है वोट के टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे चुनाव मैदान में आ रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसा जो आरोप लगाया है मैं उसको पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि एलजीपी का जब अररिया में जब कार्यकर्ता डेथ कर गया, दिख नहीं रहा था, पार्टी छोड़ छोड़ के लोग भाग गए, लेकिन हमने 10 साल से सक्रिय सदस्य रहा, उसके बाद हमें जिला का अध्यक्ष बनाया गया लेबर सेल का, मैंने पूरे जिला में कैंपेन किया, लगातार प्रदेश की जितने भी लोग आते थे उनके साथ में बैठ के मैंने कार्यक्रम को सफल करवाया, इतनी ठंडी में हमने हर पंचायत में प्रोग्राम करवाया। मैं वर्तमान में
हैं, अभी पंचायत समिति सदस्य भी हूँ अररिया ब्लॉक का, और हमारे ब्लॉक में 43 समिति हैं, उन लोगों से भी हमारी लगातार मीटिंग बैठक होती रही है। हमने कहा कि मैं आप हम लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़िए, मजबूत कीजिए, और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, अपने दावेदारी भी पेश करेंगे। बट है क्या इस तरह का आरोप लगाना बाहर से, हो सकता है कि कोई अगर लैंडिंग करता हो, अदर डिस्ट्रिक्ट से कोई लैंडिंग करता हो, वैसा व्यक्ति ही मेरा विरोध करता हो, लेकिन मैं स्थानीय हूँ, और मैं स्थानीय होने के नाते मैं नेता के रूप में नहीं, इस क्षेत्र का बेटा बनकर काम करना चाहता हूँ। किन मुद्दों के साथ जो है आप स्पेशली स्थानीय मुद्दे, पार्टी के जो भी मैनिफेस्टो है उसको छोड़ दिया जाए, आप अररिया के किन स्थानीय मुद्दों के साथ जो है मैदान में उतरेंगे? अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या क्या वादा करेंगे काम करने के लिए, या कौन से जो मेन मुद्दे हैं अररिया विधानसभा क्षेत्र के, उन्हें दूर करने का वादा करेंगे जनता के पास, उन चीज़ों को लेकर के जाएंगे? हमारा जो मैनिफेस्टो है तो मैं संक्षेप में ही आपको बता सकता हूं, क्योंकि अभी राजनीति का दौर चल रहा है, मैं आपके माध्यम से जो चैनल में चलेगी दिखेगा तो अगला को भी इस पर, क्योंकि बहुत तरह का बात होती है। हमने कई एक एजेंडा लिया है, जैसे कुसियार गांव जो है डाइवर्सिटी पार्क है, उसको जो है ना चिड़ियाघर का दर्जा दिलाने का भी हमने मैनिफेस्टो में अपना ये किया है कि वो भी बने। अररिया ब्लॉक का जो है ये क्षेत्र 30 पंचायत 30 नगर वार्ड है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, मैं चाहूँगा कि अगर हम बने तो इसको भी डिवाइड करके दो ब्लॉक बनवाऊँगा, एक कुसियार गांव को और एक पटेंगना मदनपुर साइड में, ताकि हमारा जो क्षेत्र का विकास हो वो ज़्यादा हो। और जो अररिया चांदनी चौक जो है और 0 माइल से जो जाम की समस्या होती है, इसमें जो वो ऊपर से जो ओवरब्रिज होती है करवाने का काम करेंगे, ताकि जो है ना जाम की समस्या नहीं हो। और कुछ सरकारी जो ज़मीन सब है चांदनी चौक एडवी चौक में जो पड़ी हुई है, वो सब सारा समस्या जो है उसमें बिल्डिंग वगैरह जो है ना सरकार से ये करते हुए उसमें बनाया जाएगा, ताकि लोग को भाड़े में जो है रूम मिले, व्यवसाय हो, लोगों की जो बेरोजगारी है वो दूर हो। ये सारी समस्या लेके हम मैदान में आए हैं। हमारे यहाँ एक जामा मस्जिद है, कालीबाड़ी मंदिर है, इसको भी जो है ना पर्यटक स्थल में इसको भी ये किया जाए, ताकि कुछ धरोहर हो और यहाँ का क्षेत्र में जो है ना लगे कि अररिया भी एक अच्छा सा टाउन है। कई एक मुद्दा है, उसके बाद बेरोजगार का जो रोजगार की समस्या है, इसके लिए भी कई एक अहम स्टेप लेंगे, उद्योग लगाने का काम करवाएंगे, ताकि यहाँ की जो मुख्य खेती है कपास की खेती है, उसके बाद मक्का की है, ये सब का उद्योग का लगाने का कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग पलायन करते हैं दिल्ली पंजाब वो रुके, रोज़गार दिया जा सके। ठीक है, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन सब चीज़ों की बात सब लोग करते हैं, एक तरफ से इन चीज़ों को सुधारेंगे, लेकिन एक रोड मैप कहाँ है, कैसे सुधारेंगे आप उन चीज़ों को? देखिए, यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, एक विधायक का जो अधिकार है आज तक कितना है? आज तक हमारे क्षेत्र में जितने भी विधायक बने हैं लगातार यही हुआ है, हम लोग की उम्र से देख रहे हैं कि वही पैराशूट लैंडिंग हुआ है। और ये चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार जान गया है कि पैराशूट लैंडिंग वाले को वो 5 साल रहते हैं, या फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो वो फिर यहाँ से चले जाते हैं। और स्थानीय विधायक अगर होंगे तो वो दुख दर्द सब चीज़ को वो जानेंगे कि कहाँ रोड बनाना है, कहाँ की क्या समस्या, स्वास्थ्य की क्या समस्या, बेरोजगार की क्या समस्या है, ये सब सारा चीज़ को हमको दिख रहा है। तो हमारे अंदर में भी कहीं इस चीज़ की जो है ना भावना है कि यदि हम अगर विधायक बनेंगे, पार्टी टिकट देगी, चुनाव अगर लड़ते हैं, तो हम इस सारा मुद्दा को स्थानीय होने के नाते ऐसा करेंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट का अदर स्टेट वाले को भी दिखे, ऐसा हमारी सोच है। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कि अगर पार्टी आपको टिकट भी ना दे तो? देखिए, पार्टी का हम तो सच्चे और अच्छे कार्यकर्ता हैं, ये तो हम जो अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो ये हमारे साथ जितने भी संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, बैठ के मीटिंग करेंगे, इसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।